जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे यूएस के अंदर यू नो, तो उनको अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना होता है तो यू नो वो इतनी रेगुलेटेड कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्टली स्पॉट एक्सचेंज पे जाके कोई जैसे लोग बाइंग करते हैं बिटकॉइन की, तो बड़ी बड़ी कंपनीज बाई नहीं कर सकती, उनके लिए पॉसिबल नहीं कि वो स्पॉट एक्सचेंज पे जाके ऑर्डर लगाएं और उसके बाद वहाँ बिटकॉइन को खरीदें या किसी एम्प्लॉई की ड्यूटी लगाएं, ऐसा नहीं होता है। जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि ETF हो गया। अब क्या है, US में ETF नहीं है, अच्छा चलो अब वो स्पॉट एक्सचेंज पे भी नहीं जा सकते, तो फिर वो इन्वेस्ट करे कैसे, है ना। तो उनको ना एक बहुत बढ़िया तरीका मिल गया, उन्होंने कहा कि चलो यार माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर है, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास ऑलमोस्ट ये एक बिटकॉइन कंपनी हो गई है भाई, 140,000 बिटकॉइन है इसके पास, जैसे जैसे बिटकॉइन मूव करता है उसी हिसाब से कंपनी भी अब परफॉर्म करती है, इसका शेयर भी वैसे ही परफॉर्म करता है, तो क्यों ना यार माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर इज़ एज गुड एज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। अब वो कह रहा है कि फिडेलिटी और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनीज जो हैं वो माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब ये सोचो कि अगर बिटकॉइन ने ईयर टू डेट मतलब जनवरी 1 जनवरी से अभी तक अगर 90% का रिटर्न दिया है, तो माइक्रो स्ट्रेटजी का जो शेयर है उसने 140% का रिटर्न दिया है। तो इससे ये साबित होता है कि जैसे जैसे बिटकॉइन मूव कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वैसे ही माइक्रो स्ट्रेटजी का शेयर परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि मतलब माइकल सेलर ने पता नहीं सोचा था या नहीं सोचा था, या मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन अब जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर में इन्वेस्ट करके ले रही है इनडायरेक्टली, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपका क्या थॉट है इस पर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।